अब मेरा जो मैं मजाक मस्ती में भी बोलता था चीज़ें करूँगा, आई नो अब क्यों आप मुझे उस टाइम समझाते थे कि मत करा कर मत करा कर मत करा कर, बिकॉज मुझे नहीं पता था, दिस इज़ ऑल वेरी न्यू फॉर मी, है ना। और मैं जहाँ से आता हूँ, जिस पार्ट ऑफ सोसाइटी से आता हूँ, वहाँ पर दोस्तों के साथ बैठना, चिल करना, हाथ पकड़ना इतना बड़ा चीज़ नहीं है, बट आई हर्ष, एक्सेप्ट इट। जहाँ से मैं भी आती हूँ ना, वहाँ पर भी इतना कुछ बड़ा बात नहीं है किसी का हाथ पकड़ना, किसी से बात करना, अकेले बैठना। बट देयर इज अ वे। तू मुझे फर्स्ट डे से जानता है, मैं आई हूँ, मेरे एटीट्यूड में तेको ऐसा लगा कि यहाँ इतने सारे लड़के हैं, देखो कहीं मेरे तरफ से अनकम्फर्टेबल फील हुआ दैट आई एम फ्लोटिंग विद समवन और आई एम ट्राइंग टू बी क्लोज टू समवन, और द जेस्चर, द वे आई एम सिटिंग और टॉकिंग और होल्डिंग, आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसे जानबूझ के किसी का हाथ पकड़ा हो या कुछ। डिड आई मेक यू फील दैट वे? नहीं सो देयर इज अ वे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आई, मेरा तुझसे कनेक्शन हुआ, आई एम यू आर ओनली माई प्रायोरिटी, एवरीबडी एल्स इज माई फ्रेंड। यू हैव टू प्रूव मी बिकॉज नाउ आई हैव डाउट्स, आई हैव ट्रस्ट इशूज एंड आई टोल्ड यू फ्रॉम द स्टार्टिंग। एंड ये लड़की मेरे सामने 24 घंटे रहेगी, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, ये भी यही है। एंड ये चीज़ें एक रात में एक दिन में ठीक नहीं होती है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई नीड टू प्रोसेस। हमारे बीच में खराब हुआ कुछ जो ठीक होने में टाइम लगता। कुछ खराब नहीं हुआ, बट देयर आर डाउट्स नाश फ्रॉम माय साइड। एंड आई अप्रिशिएट दैट कि आपने मुझे बोला और ओके टेक योर टाइम एंड बिकॉज शी इज हियर एंड आई नाउ आई डोंट ट्रस्ट हर एट ऑल। I don't trust the situation and I'm doubting you as well in some situation. आप इनमें से किसी लड़के को पहले से नहीं जानते हो, है ना, इसलिए आप करनी है। अगर आपका एक दोस्त जिसको आप जेन्युइनली दोस्त मानते हो, जिसको आप पहले से बात करते हो, सो आप जब उसके साथ बैठते हो ना, देयर इज अ लेवल ऑफ कॉम्फर्ट। बट अगर उसने आपकी इतनी बेइज्जती करती हो, उसने आपको इतना सब कुछ बोल दिया हो, स्टार्टिंग में नहीं बेबी, वो डे वन जब एंट्री हुई उसकी थपकी थी, तब ऐसा नहीं पता था कि मुझे ये चीजें होंगी, सो ये चीज को भी काउंट करो। आपको तो मैं पता तो था ना, जनरली एज अ पता फ्रेंड था ना कि रुशाली वहाँ वेट कर रही है। ऐसा तो नहीं था कि आप लव डेन में ही बैठे रहोगे, पूरा स्प्लिट विला वहीं होगा आपका। आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आपको ये भी पता था कि वहाँ हर जगह कैमराज है, तो यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग, यू कैन नॉट। आप सुन तो लो, मैं क्या सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। आपने बोला भाई मैंने कंफर्ट करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मेरे लिए लगा कि तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज शी इज योर फ्लैटमेट और आई डोंट वांट कि तुम्हारी लड़ाई मेरी वजह से हो। सो दैट वाज द ओनली इंटेंशन दैट आई वाज डूइंग इज टू काम हर डाउन, कंफर्ट हर, कि देख यार उसको मत कुछ कहना। तूने उसको कंफर्ट करके मेरे को अनकंफर्टेबल कर दिया, सिंपल। मैं अगर आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैंने मैंने फुटेज देखी होती और मुझे पता होता कि रुशाली मेरे साथ डे वन से कैसी है, चीज़ें कैसी है, ऑफकोर्स मैं चिल्लाता कि व्हाट द फक इज दैट ये, बट मैं आई ट्राई, तू मुझे ये बताती ना तो मैं बोलता अच्छा हाँ कि तू इसको पहले से जानता था। कैन वी गेट इनटू द रियल वर्ल्ड? अगर ऐसी सिचुएशन आती ना, मैं बाहर भी किसी को देखती, मुझे बहुत अफेक्ट होता। आई एम कंट्रोलिंग अ लॉट बिकॉज आई नो योर नेचर। एवरीबडी, सब लड़कियाँ बैठी थी ना, मैं उनके साथ भी गई थी, दे ऑल्सो नो यू, दे लाइक वी नो हर्ष, बट द ओनली थिंग यू नीड टू चेंज इज हर्ष। आपको है ना एक बेसिक चीज़ें याद रखनी, तू मेरे को बोल गई है ना कि बेस्ट फ्रेंड का भी हाथ ऐसे पकड़ता हूँ, तो उसमें आपकी बेस्ट फ्रेंड की भी गलती है और आपकी भी गलती है, क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते हैं।